अब ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो हैं, फ्रॉग हमारे लैंड पर भी रह सकते हैं, यानी धरती पर भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो जो फ्लॉग फ्रॉग है वो हमारा क्लास जो है फ्रॉग की, वो बिलोंग करता है एम्फीबिया से, और जो इसका फाइलम है वो है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होगी, और इनके अंदर लंग्स या गिल्स में से कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। और जो इनकी बहुत ही जो कॉमन स्पीशीज़ होती है, जो कि इंडिया में देखने को मिलती है, उसका नाम है राना टिग्रीना। ये जो हैं अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते, यानी ये जो एनिमल्स हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को लेकर। तो जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो किस तरीके से वेरी कर रहा होता है, टेम्परेचर जो है इनका वेरी कर रहा होता है और सराउंडिंग्स पे यानी इन्वायरमेंट के बेसिस पे, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स ये भी कह सकते हैं हम इन्हें। अब हमने नोटिस किया होगा कि जो फ्रॉग है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो फ्रॉग है वो अपने कलर को जो है चेंज कर पाता है, कभी कभार, बहुत ही कम चेंज कर पाता है, चेंज करता है कलर। जब वो घास में होता है तो वो ज़्यादा ग्रीन कलर का होने लगता है, और जब ड्राई लैंड पे होता है तो वो पेल येलो कलर का होने लगता है। तो ये जो इसलिए करता है, ये जो एबिलिटी है इसकी कलर चेंज करने की, वो क्या किस उसका फंक्शन है, वो इसको हेल्प करती है हाइड करने में फ्रॉम कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज यानी एनिमीज से, जो कि प्रेडेटर्स हैं जो कि इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो प्रोटेक्शन कलरेशन जो है उसको हम लोग फ्रॉग के अंदर मिमिक्री कहते हैं। हमने, अगर आपने कभी फ्रॉग को देखा हो, तो जब फ्रॉग जो होता है वो हमें बिल्कुल हाई गर्मियों में नहीं देखने को मिलता, और ना ही ज़्यादा कड़क ठंडी में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पीरियड में जो फ्रॉग है वो अपना शेल्टर ढूंढ लेता है किसी गहरे गड्ढे के अंदर, या फिर कुछ खोद लेता है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एक्सट्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा हीट है, गर्मी है या फिर कोल्ड। और ये उस टाइम पे स्लीप में चला जाता है। अगर वो समर में स्लीप में गया तब हम उसे कहेंगे एसटाइवेशन, अगर जब वो विंटर में स्लीप में गया तब हम उसे कहेंगे हाइबरनेशन। तो आई होप इसका आपको जो इंट्रोडक्शन है, जो भी इसके अंदर डिफरेंट जो खासियत है इसकी, वो आपको समझ आई होगी। तो अब हम लोग जो हमारा फ्रॉग है उसकी हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी देखने से पहले एक बार जो फ्रॉग का डायग्राम बना है हम उसे एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो जो फ्रॉग का डायग्राम है उसके ऊपर, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका हमारा फ्रॉग की बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक रीजन दो में डिवाइडेड होती है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि फ्रॉग का कलर भी ग्रीन ही है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक है इसका ट्रंक रीजन और दूसरा जो है वो इसका हेड रीजन है। उसके बाद इसकी आईज़ होती हैं, और इसके बाद जो इसके आगे के लिम्ब्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फोर लिम्ब्स, और जो इसके नीचे के यानी मस्कुलर, जो ज़्यादा मस्कुलर लिम्ब्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइंड लिम्ब। तो अगर आपने कभी भी किसी फ्रॉग को टच किया हो, तो जब भी कभी आपने उसके स्किन को टच किया हो, तो जो उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। स्मूथ होने के साथ साथ वो स्लिपरी भी होती है। स्मूथ और स्लिपरी इसलिए होती है क्योंकि उसके जो स्किन होती है उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और जो उसकी स्किन है वो हमेशा मेंटेन्ड होती है मॉइस्ट, ऑलवेज मेंटेन्ड मॉइस्ट कंडीशन में, मतलब हमेशा गीली कंडीशन में ही रहती है। अब जो इसका कलर होता है डोर्सल साइड ऑफ बॉडी का, डोर्सल मतलब मैंने आपको बताया था पीठ की तरफ का जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, डोर्सल साइड ऑफ बॉडी का जो इसका कलर होता है वो जनरली ऑलिव ग्रीन होता है विद, और जन ओ जो ऑलिव ग्रीन है उसके साथ इसके ऊपर कुछ डार्क गड्ढे, इरेगुलर स्पॉट्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इसकी वेंट्रल साइड का अगर हम लोग देखें कलर, तो जो इसकी वेंट्रल साइड का कलर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसा होता है, और वो होता है पेल येलो कलर का। अब जो फ्रॉग होता है, अगर मैं आपको एक फ्रॉग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, फ्रॉग जो है कभी भी पानी नहीं पीता, परंतु पानी ना पीने से मतलब अगर ये पानी नहीं पिएगा तो ये तो डेड हो सकता है। ये जो क्या करता है, ये अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि जो इसकी स्किन है वो आप कह सकते हैं कि क्यूटेनियस है, मतलब उसके अंदर बाहर चीज़ें कर पाती हैं ईजिली। तो अब जो फ्रॉग की बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी, वो किस किस रीजन में डिविजिबल है, पहला हेड और दूसरा जो है ट्रंक रीजन। अब जो नेक और जो टेल होती है, नेक और जो टेल है वो क्या होती है हमारे फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे इसकी जो नेक है वो डिफ्रेंशिएटेड है ही नहीं, डायरेक्ट जो इसका हेड है वो टच इसकी जो ट्रंक रीजन है उससे जॉइंटेड है। अब इसके माउथ के ऊपर, जो ये इसका माउथ है, इसके जो ऊपर है पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, पेयर में
प्रेजेंट होती हैं। अब जो इसकी आईज होती है वो बाहर निकली होती है, बल्ज्ड आउट, बल्ज्ड मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और इसकी जो आईज होती है वो कवर्ड होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसकी जो आईज होती है वो कवर्ड होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट करता है, कब प्रोटेक्ट करता है, जब ये जो फ्रॉग है पानी में होता है तब ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है इसकी आई के ऊपर आ जाता है और इसको प्रोटेक्ट करता है, और जो इसकी आईज है वो बल्ज्ड होती हैं। अगर हम लोग इसकी दोनों साइड ऑफ आइज देखें, मतलब अभी जो हमें ऊपर से दिख रही है वो, और एक जो अंदर की तरफ है वो, ऑन ईदर साइड ऑफ आइज, मतलब एक इधर और एक उधर, दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट साइड जो है आइज का, उस पर एक मेम्ब्रेनस टिम्फेनम होता है, मतलब इंटरनल। अब ये जो टिम्फेनम है ना, ये आपको मैं अभी बता दूँ, ये इंटरनल ईयर है, क्योंकि फ्रॉग के पास कुछ भी एक्सटर्नल ईयर जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके पास बस इंटरनल ईयर है। बट ये जो इंटरनल ईयर है ये बहुत अच्छे तरीके से सिग्नल्स को रिसीव कर पाता है। तो दोनों ही आइज़ के जो थोड़ा सा नीचे वाला साइड है वहाँ पर इसके पास ईयर प्रेजेंट हैं, जिनको कि हम लोग इंटरनल ईयर कहते हैं, जिसका नाम टिम्पेनम है, जो कि साउंड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उस हिसाब से जो फ्रॉग है वो रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में। अब जो इसकी फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स यानी जो ये आगे वाली जिसे कह सकते हैं, जो कि थोड़ी कम मस्कुलर है, वो जो फोर लिम्ब हैं और जो हाइंड लिम्ब हैं, दोनों ही मिलकर इसे स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, लीपिंग में, और बुरोइंग यानी गड्ढा खोदने में। अब जो हाइंड लिम्ब है वो एंड करती है 5 डिजिट से, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट आप देख पा रहे होंगे। बट जो हमारी फोर लिम्ब है वो किस में एंड होती है, वो फोर लिम्ब होती है वो बिल्कुल 4 डिजिट में एंड होती है, यहाँ पर 3 ही बनाए हैं बट 4 डिजिट पीछे की तरफ है। अब ये जो पीछे की हाइंड लिम्ब है वो बड़ी होती है और मस्कुलर होती है फोर लिम्ब से, हाइंड लिम्ब इज लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब, और ये जो हमारी फोर लिम्ब्स हैं वो एंड करती है 4 डिजिट्स में, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। अब जो फीट होती है, फीट मतलब ये आप कह सकते हैं ये इतना जो एरिया है इसको हम लोग फीट कहते हैं। अब जो फीट होती है वो वेब्ड है, वेब्ड मतलब अलग अलग है, जैसे हमारी फिंगर्स अलग अलग है ना, कोई भी कहेगा कि आपकी फीट वेब्ड है, ह्यूमंस की फीट कैसी होती है, वेब्ड होती है, मतलब अलग अलग होती है, सारी डिजिट्स होती है उनके अंदर। तो फीट जो होती है इनकी वेब्ड डिजिट्स होती है, जो कि अब ये वेब डिजिट्स होने का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके बिना ये लोग स्विम नहीं कर पाते, बट इसी की हेल्प से ये जो है स्विम कर पाते हैं। फ्रॉग्स जो हैं एग्जिबिट करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब कि जो मेल फ्रॉग है वो डिस्टिंग्विश करता है, उसके पास एक स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो एक अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर सकता है जो कि मेल फ्रॉग्स होता है, और उसके पास एक कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स। अब ये जो फर्स्ट डिजिट है फोर लिम्स का, ये जो ये वाला डिजिट है जो कि पीछे छुपा है, उसके पास जो है एक कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल फ्रॉग्स में नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रॉग की एनाटॉमी को। तो जो फ्रॉग की एनाटॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रॉग की एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी है, फ्रॉग की उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव। अब मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जो फ्रॉग की एनाटॉमी है वो आपको ऑलमोस्ट 80% तो ह्यूमन जैसी ही देखने को मिलेगी अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें। तो जो सबसे पहले है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम ये सारे के सारे जो है पढ़ेंगे, और ये जो सारे हैं ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता दूँ, तो जो हम लोग अभी देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर आती है सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर आप लोग जब आगे पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर, तब भी आपको पता लगेगा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही हैं। अब जो एलिमेंट्री कनाल है वो इनकी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है। अब इसका एक रीज़न है, एलिमेंट्री कनाल शॉर्ट होने का एक रीज़न है, क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं वो कार्निवोरस होते हैं। अब कार्निवोरस मतलब ये जो है मीट वगैरह पे या फिर डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से जो इनकी लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर ये अपनी उस मीट को अगर ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी में रखेंगे तो वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो काफ़ी तरीके की डिसीज़ भी इनको कॉज कर सकता है। इस वजह से जो इनकी एलिमेंट्री कनाल होती है वो छोटी होती है। अब जो इनका माउथ होता है वो ओपन होता है बकल कैविटी के अंदर, इनका माउथ जो है डायरेक्टली ओपन हो जाता है बकल कैविटी के अंदर, माउथ है इनका खुला हुआ और डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगी, बकल कैविटी आ जाएगी। अब बकल कैविटी दैट लीड्स टू ईसोफेगस, अब ये जो बकल कैविटी है उसके आगे जो चीज़ आती है वो है हमारी ईसोफेगस। अब ये जो ईसोफेगस है उसके आगे क्या है, फेरिंग्स है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ये माउथ की ओपनिंग है, ये माउथ की ओपनिंग हमारी
फ्रॉग की माउथ ओपनिंग, उसके बाद जो है हमारी बकल कैविटी है। बकल कैविटी जैसे आपका माउथ है उसके अंदर जो भी एरिया है उसी को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी के नीचे जो है हमें सबसे पहले फेरिंग्स देखने को मिलेगा, और जो फेरिंग्स है वहाँ से जो है उसके बाद ईसोफेगस हमारी कंटिन्यू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का जो है हमें देखने को मिलता है। अब ये जो है हमारी बकल कैविटी है, दिस इज आवर बकल कैविटी। आई होप आपको ये डायग्राम जो है समझ आ रहा होगा। तो मैं एक बार आपको जस्ट इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, उसका जो डायग्राम है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जो इसका डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का और इंटरनल ऑर्गेन्स का, तो सबसे पहले आप देखिए जो यहाँ से जो है इसका माउथ का जो अपर्चर है वो स्टार्ट होता है उस फ्रॉग का। ये इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा साइड में लेके दिखाया है। तो ये जो है इसका ईसोफेगस है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे माउथ ओपनिंग वगैरह नहीं दिखाई है, डायरेक्टली इन्होंने ईसोफेगस से दिखाया है। इसके ऊपर हमारा फेरिंग्स होता, इसके ऊपर हमारी बकल कैविटी होती, उसके बाद हमारा माउथ का अपर्चर होता। और ये जो ईसोफेगस है वो कहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है हमारा लीवर के थ्रू। और लीवर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेटरली प्रेजेंट है, लेटरली मतलब लेफ्ट पे भी है और ये जो है हमारा राइट पर भी प्रेजेंट है। तो अब ये जो ईसोफेगस है वो लीवर के थ्रू कंटिन्यू होकर आ रहा है और डायरेक्टली कहाँ पर आ जा रहा है, स्टमक। लीवर और जो हमारा ईसोफेगस है वो स्टमक में कंटिन्यू कर रहा है। स्टमक के बाद सेम एज द ह्यूमन ये जो है हमारे इंटेस्टाइन में कंटिन्यू कर रहा है, बट इनका जो इंटेस्टाइन है वो दो में डिफरेंशिएटेड नहीं है जैसे कि हमारा है स्मॉल और एक लार्ज में। तो ये जो है इसके अंदर डिवीजन नहीं है। इंटेस्टाइन के बाद ये जाता है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के बाद ये जो है ये क्लोइकल अपर्चर के थ्रू जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब ये दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग अभी देख लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो जो बिल्कुल उसका सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर क्या लोकेटेड है, उसका हर्ट लोकेटेड है। अब जो उसका हर्ट है, जो फ्रॉग का हर्ट है, उसमें मैं आपको पहले ही बता दूँ इसका जो हर्ट है वो थ्री चैम्बर्ड है, ओनली थ्री चैम्बर्ड। थ्री चैम्बर्ड में से जो टू हैं वो एट्रिया हैं, ये और ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे एट्रिया हैं, और ये जो है हमारा वेंट्रिकल है नीचे का जो आपको दिख रहा होगा, वो क्या करता है, हेल्प करता है पंपिंग में ब्लड को। अब लीवर के साथ ही सबको पता है लीवर का जो बाइल होता है वो टेम्पररली स्टोर्ड होता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर फिर से जो है हमारा बाइल स्टोर होता है। उसके बाद ये जो है हमारा लंग्स हैं जो कि लेटरली प्रेजेंट है लेफ्ट और राइट में। इसके बाद जो है हमारी जो नीचे ब्लड वेसल आ रही है हर्ट के पास से वो क्या करती है, बीन शेप्ड, इनके अंदर भी लगभग बीन शेप्ड होती है, प्रोरी प्रॉपरली बीन शेप्ड नहीं होती लेकिन जो है बीन शेप्ड जैसी लगती हैं। तो ये जो है दो किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, और इन किडनीज़ के ऊपर जो है फैट बॉडीज प्रेजेंट हैं। अब ये जो किडनी है उसके बाद यहाँ पर यूरेटर है, यानी लगभग हमारी तरह सेम स्ट्रक्चर है, बस ये रेक्टम वगैरह डिफरेंट हो गया है थोड़ा। और ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इनका वो कहाँ पर ओपन होता है, वो भी ओपन होता है इसी के अंदर। उसके बाद ये जो है इनका क्लोइका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा डायग्राम। तो अब हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक बार देखना शुरू करते हैं और इसको समझना शुरू करते हैं। तो जो ईसोफेगस है वो कैसी ट्यूब है, ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब। मैं एक बार इसको जूम इन कर देता हूँ। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब ओपन्स इनटू स्टमक। ईसोफेगस एक छोटी ट्यूब है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती है और उसके बाद जो है कंटिन्यू करती है इंटेस्टाइन की तरह, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद जो स्मॉल जो भी हमारी इंटेस्टाइन है वो रेक्टम के अंदर कंटिन्यू करती है और फाइनली जो है बॉडी के आउटसाइड क्लोइका के थ्रू। अब जो लीवर है वो क्या करता है, लीवर का जो फंक्शन है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, लीवर जो है सेम वर्क करता है हमारे जैसे अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर परफॉर्म करता है। लीवर जो है सिक्रेट करता है बाइल जो कि कहाँ पर टेम्पररली स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, और सेम हमारे में भी ऐसा ही होता है। बट अब ये जो लाइन है ये काफ़ी डिफरेंट आएगी तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पेनक्रियाज जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है इनके अंदर जो कि प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस को। यहाँ तक तो सिमिलर है तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड है एक जो क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद जो फूड है वो कैप्चर किसके थ्रू किया जाता है, फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग। अब जो इसकी टंग है वो कैसी है, बाइलोब्ड है, बट जो अगर ह्यूमंस की टंग की बात करें तो वो यूनिलोब्ड है। इसकी टंग्स यानी दो लोब्स में बटी हुई है, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप का टंग का स्ट्रक्चर है उसका। अब जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, डाइजेशन जो होता है वो HCL के थ्रू होता है,
जैसा कि हमारे में भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारा स्टमक रिलीज करता है और गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू होता है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, वॉल्स ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक की वॉल्स जो हैं सिक्रीट कर रही होती हैं। अभी ये जो जब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से आपको अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट जब आप ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ चुके होंगे तभी आपको एक बार आप आके फिर दोबारा पढ़ेंगे, आपको 100% क्लियरेंस मिलेगी, क्योंकि इट इज़ सेम एज ह्यूमंस, बिल्कुल सेम है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ। बट हाँ, ह्यूमन में ये जो आपका रेक्टम पार्ट से है वो थोड़ा अलग हो जाता है, और किडनी के नीचे पार्ट से वो थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो जाती है, वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो कि नहीं हो पाया अच्छे से डाइजेस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काइम कहते हैं। अब स्टमक में HCl प्रोड्यूस हुआ, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हुए, उनको जो भी सिक्रीट किया गया हमारे स्टमक के द्वारा, तो वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुए। अब ये जो है फूड वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं, जो पार्शियली डाइजेस्ट हुए तो हम इसे काइम कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन में भी काइम ही बनता है। अब ये जो काइम है वो पास करेगा स्टमक के थ्रू और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में पहुँचता है, जिसको कि हम लोग ड्यूओडेनम कहते हैं, जैसा कि हमारे में भी ड्यूओडेनम प्रेजेंट होता है। अब ये जो ड्यूओडेनम है वो रिसीव करता है बाइल को, ड्यूओडेनम के अंदर बाइल आता है, सेम एज ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी ड्यूओडेनम में ही बाइल जो है प्रोड्यूस होता है। बाइल यहाँ पर आता है गॉल ब्लैडर से और पेनक्रिएटिक जूस आता है इसमें पेनक्रियास से, और किसके थ्रू आता है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है। अब एक बात आपको यहाँ पर नोट करनी है कि यहाँ पर जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है, लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू नहीं आता, वो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है। तो आई होप आपको एक डिफरेंस आपको पता लगा होगा। अब जो ये बाइल है उसका काम क्या है, बाइल जो है हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के अंदर, मतलब फैट्स को तोड़ने का काम करता है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो आप पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो डाइजेस्ट करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। क्या करती है पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। अब जो फाइनल डाइजेशन है, बिल्कुल एंड वाला डाइजेशन, वो कहाँ पर होगा, इंटेस्टाइन के अंदर होगा। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो भी खाना पच चुका है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन, अब हमारे अंदर भी जो न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं जिनको कि हम लोग विलाई, इनर वॉल ऑफ जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग विलाई कहते हैं और माइक्रोविलाई कहते हैं। अब ये जो है इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो जो हमारा खाना है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। तो अब जो अनडाइजेस्टेड, जो कि अनडाइजेस्टेड, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो जो सॉलिड वेस्ट है वो मूव कहाँ पर कर जाता है, वो रेक्टम में मूव कर जाता है और वो जो है पास हो जाता है क्लोइका के थ्रू। अब जो फ्रॉग हैं वो रिस्पायर कैसे करते हैं, फ्रॉग्स रिस्पायर ऑन लैंड। फ्रॉग्स के अंदर अगर हम लोग रेस्पिरेशन देखें तो फ्रॉग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो हमें दो तरीके की देखने को मिलती है। फ्रॉग्स जैसा कि हमें पता है कि वो धरती पर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो जब वो धरती के ऊपर होते हैं तब तो उनके लंग्स एक्टिव होते हैं। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड बाय लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। अगर वाटर के अंदर हैं वो, इन वाटर, वाटर के अंदर जो उनकी स्किन है वो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेन की तरह वर्क करती है, यानी जो उनकी स्किन है उसी के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा होता है वाटर के अंदर जब है तब, तब उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसकी वाटर के अंदर, वो एक्सचेंज हो जाता है उसकी स्किन के थ्रू और डिफ्यूज़ हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो फ्रॉग है वो कभी भी पानी नहीं पीता क्योंकि वो उसकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऐसा ही कुछ रेस्पिरेशन के वक्त होता है, उसकी स्किन क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी को जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके अंदर वाटर के अंदर, जैसा सबको पता है H2O फॉर्मूला होता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है उसके बॉडी स्किन के सरफेस से, इंटरनल ऑर्गेन्स के सरफेस से, तो इस तरीके से उसको ऑक्सीजन भी मिल जाता है और उसके जो वर्क है वो भी परफॉर्म हो जाता है, रेस्पिरेशन का जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाता है और उसकी ऑक्सीजन नीड पूरी हो जाती है और उसकी वाटर नीड भी साथ साथ पूरी हो जाती है। बट अगर वहीं वो फ्रॉग अगर धरती पर है तो जो उसकी बकल कैविटी है, बकल मतलब मुंह वाली कैविटी, उसके पास जैसा कि हमने पढ़ा था इसके पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी जो स्किन और जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया, जब फ्रॉग जो है वाटर में होता है तो क्या वर्क करता है, उसकी स्किन वर्क करती है, बट जब वो हमारा लैंड पे होता है तब उसकी स्किन भी वर्क करती है और साथ ही साथ उसका लंग्स भी वर्क करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है लंग्स के थ्रू उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आप एक ध्यान रखिए कि जो लंग्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उसे क्या यूज़ किया जाता है, लंग्स के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो पल्मोनरी यूज़ होता है, ह्यूमंस में भी ऐसे ही यूज़ किया जाएगा। अब जो लंग्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन थोरैक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो
जो हमारा फ्रॉग है उसकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक रीजन में डिवाइडेड है। तो जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक का जो बीच वाला ऊपर वाला पार्ट है यानी थॉरेक्स रीजन है ट्रंक का, मैं आपको एक बार डायग्राम में ले जाके दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कह रहे हैं ट्रंक रीजन, ठीक है। तो अब इस ट्रंक में, ट्रंक का जो है ये थॉरेक्स रीजन है। तो इस रीजन में आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है हमारी लंग्स हैं। अब ये जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है। लेटरल मतलब दोनों ही तरफ प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ह्यूमंस की भी जो होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, जो ट्रंक का जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रंक का, उसको हम लोग थॉरेक्स कहते हैं। तो उस रीजन में जो है हमारे लंग्स जो फ्रॉग के लंग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो एयर हो, जो हवा है वो कहाँ से एंटर करती है, जो एयर है वो एंटर करती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, नॉस्ट्रल्स जो कि पेयर में प्रेजेंट है, फिर बकल कैविटी में जाती है, और फिर बकल कैविटी से वो कहाँ पर पहुँच जाती है, वो लंग्स में पहुँच जाती है। अब जब जब एसेटाइवेशन होता है यानी जब वो समर स्लीप पे जाते हैं या फिर विंटर स्लीप पे जाते हैं, तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार भी पूछा जा चुका है, टेक प्लेस थ्रू द स्किन। तो आई होप आप इसको याद करेंगे। तो अब हम लोग एक बार फिर से इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसका वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। वेस्कुलर सिस्टम यानी क्या, वेस्कुलर सिस्टम यानी जो इसका सर्कुलेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कुछ हमारा क्लोज टाइप का है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कैसा है, वेल डेवलप्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके अंदर जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, और ये जो है क्लोज टाइप का रेस्पिरेशन को शो कर, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन को शो कर रहा होता है। तो क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है, क्लोज टाइप मतलब आप कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जो भी ऑर्गेन्स हैं इंटरनल ऑर्गेन्स उन सबको जो ऑक्सीजन या फिर जो भी चीज़ की डिमांड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचाई जा रही है। कोई भी ऐसा हीमोलिम्फ हीमोसील ऐसी कोई जगह नहीं है जैसे कि हमने कॉकरोच में पढ़ा था। अब जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास जो है लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक ब्लड और एक ब्लड ब्लड सिस्टम, और एक जो होता है वो होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, अभी हम लोग ब्लड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारा हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है और ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। उसके बाद जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स मतलब ऐसे लिम्फ चैनल्स ऐसे है, उसके बीच में कहीं भी नोड बन गया, फिर लिम्फ ऐसे है, फिर उसके बीच में कहीं। तो ये जो है नोड्स हैं, ये जो है लिम्फ चैनल्स हैं और ये जो है लिम्फ नोड्स हैं, और उसी के साथ सब कुछ ज्वाइंट होकर क्या, उसी के अंदर जो चीज़ फ्लू कर रही होती है उसको हम लोग कहते हैं लिम्फ। अभी आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले, अभी आपको जो वेस्कुलर सिस्टम है इसका बिल्कुल नहीं समझ आएगा, आई थिंक रेयरली आपको 20-50% ही समझ आ रहा होगा कई बच्चों को। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको 120% ये क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको कॉकरोच और अर्थवर्म समझ नहीं आता आपको वापस देखना पड़ेगा। बट हाँ, आपको फ्रॉग जो है 50% लगभग समझ आना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ जो है हमारा थोड़ा बहुत बेस क्रिएट कर देगी जिससे हम लोग आगे जाके हमें आसानी मिलेगी। तो जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब मसल्स, हमारा भी मसल से ही बना हुआ होता है। अब मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है, इसकी लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकेशन पे कई बार क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। लोकेशन जो है अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, उसकी जो बॉडी है, बॉडी कैविटी से आप डरिएगा मत। बॉडी कैविटी का सिंपल मतलब होता है बॉडी, उसका जो अपर पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है बस। अब इसके जो है तीन चैम्बर है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, इसके अंदर दो एट्रिया होते हैं और एक जो है इसके अंदर वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब जो हर्ट है वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ह्यूमंस के अंदर भी। ह्यूमंस के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है पेरिकार्डियम, और सेम पेरिकार्डियम ही हमारी फ्रॉग्स के अंदर भी प्रेजेंट है। अब हर्ट को कुछ कवर करने के लिए चाहिए, नहीं तो फिर वो तो इधर उधर मिक्स हो जाएगा ना। मिक्स क्या मतलब, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास पेरिकार्डियम है। अब एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइनस विनोसस कहते हैं। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनसस विनोसस, साइनस विनोसस। अब ये जो है किसको ज्वाइन करता है, राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। अब मैं आपको एक बार इसका हर्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इसका हल्का सा मैं एडजस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, अभी ऐसे ऐसे जा रही होती है। तो अब ये अभी इसे आप फल मत समझ लीजिएगा, ये फल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फ्रूट। जस्ट डायग्राम जो है इतनी खास तरीके से नहीं बन पाया, बट मैं आपको फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो हमारी वेन आ रही होती है इसको हम लोग कह देते हैं साइनस विनोसस, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। अब ये जो है डायरेक्टली किसके अंदर आ रही होती है, राइट एट्रियम। ये जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है। तो अब ये जो है रिसीव करता है ब्लड को मेजर वेन्स के थ्रू, जो मेन मेन वेन्स है उसके थ्रू जो भी ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाता है,
और वो जो ब्लड वेसल्स है उनको हम लोग कहते हैं वेना केवा, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल है वो ओपन होता है सैक लाइक कोनस एट्रियस के अंदर। वेंट्रिकल किस में ओपन होता है? सैक लाइक, सैक मतलब गुच्छे जैसे, कोनस एट्रियोसस उसका नाम है, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हर्ट। जो हर्ट का वेंट्रल साइड है, हर्ट का वेंट्रल साइड कौन सा है? हर्ट की मुंह के तरफ, हर्ट यही वाला जो साइड है, इसी को हम लोग इसको वेंट्रल साइड कहते हैं, उसी को हम लोग कोनस एट्रियोसिस भी कहते हैं। अब जो ब्लड है हर्ट से वो कैरी किया जाता है हर पार्ट ऑफ बॉडी में बाय द आर्टरीज, और उसको हम लोग कहते हैं एट्रियल सिस्टम। सबको पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रीज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, कैरी किया जाता है, और जो वेन्स होती है वो कलेक्ट करती है ब्लड को कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में से, और वापस कहाँ से लेके चली जाती है? हर्ट में। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, और उसको हम लोग कह देते हैं वीनस सिस्टम। अब जो स्पेशल वीनस कनेक्शन है लीवर इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी का, मतलब अब ये लीवर क्या हो गया? एक वाइटल ऑर्गेन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आपकी किडनी हो गई, अगर और जो लोअर पार्ट हो गई बॉडी की। अब ये जो ऑर्गेन्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी ना काम करे तो बंदा डेड है उसी टाइम। तो इसलिए फ्रॉग के अंदर भी जो ये मेन मेन ऑर्गेन्स है, वो जो स्पेशल यहाँ पर जो वेन्स लेके जाती है, स्पेशल वेन का जो कनेक्शन है वो जो है फ्रॉग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसको हम लोग कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि सेम ह्यूमंस में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन अब जो इसे कहा जाता है उसे कहा जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। दोनों सेम है, अभी भी ह्यूमन के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम है और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम आप उसे कह सकते हैं, कहना चाहें तो। अब जो ब्लड है जो कि हमारे फ्रॉग के अंदर है, वो किसका बना हुआ था? प्लाज्मा का और ब्लड सेल्स का। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो कौन कौन से होंगे? आरबीसी हमारे जैसी, एरिथ्रोसाइट जैसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स जो कि पैथोजेंस को किल करती है, उसके बाद जो है प्लेटलेट। तो आप देख सकते हैं ब्लड सेल्स हमारे जैसे सेम हैं। तो जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन आरबीसी होती है वो सॉरी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो आरबीसी है उसके अंदर रेड कलर पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब जो लिम्फ होता है, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। इनके अंदर जो लिम्फ है वो डिफरेंट होता है किससे? ब्लड से। अब ये जो लिम्फ है वो लैक करता है, प्रोटीन्स नहीं होते इसके अंदर, आरबीसी नहीं होते, सेम है हमारी तरह। बट जो ये ब्लड है वो कैरी क्या करता है? न्यूट्रिएंट, गैसेस, वाटर टू रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ सर्कुलेशन। अब जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो किसके थ्रू अचीव किया जाता है? पंपिंग ऑफ मस्कुलर हार्ट। आई होप आपको ये सर्कुलेशन वगैरह तो बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको अभी समझ बहुत ही मुश्किल से आ रहा होगा, आई नो, बट आपको समझने की कोशिश कंटिन्यूअसली करते रहना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको क्लियरेंस मिलने ही नहीं वाली। तो अब हम लोग इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने जा रहे हैं। तो जो एलिमिनेशन होता है किसी भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या बनता है? नाइट्रोजीनस वेस्ट बनता है। तो जो अब इस नाइट्रोजीनस वेस्ट का कुछ ना कुछ एलिमिनेशन का तरीका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इसके अंदर सिस्टम है वो सेम है ह्यूमंस की तरह, पूरी तरीके से सेम है। बस जो उसका आप कह सकते हैं जो कि उसका, जैसे हमारे अंदर यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद जो है हमारा डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है यूरिनेशन होता है, यानी मैच्योरेशन होता है। बट जो कॉकरोच है, जो सॉरी फ्रॉग है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये जो है वेल डेवलप्ड होता है, किस वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्रॉग्स के अंदर। बट अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पास क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी। किडनी किस में प्रेजेंट होती है? पेयर में प्रेजेंट होती है। यूरेटर्स भी किस में होते हैं? प्रेजेंट पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लोएका और जो यूरिनरी ब्लैडर है ये जो है पेयर में प्रेजेंट नहीं होते। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट, यानी एक जगह पास पास होते हैं, और इसी के साथ साथ ये जो होते हैं डार्क होते हैं, डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड इन लिटिल पुस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी। अब मैंने पुस्टीरियरली का मतलब आपको बताया था, पुस्टीरियरली का मतलब होता है नीचे की तरफ, एंटीरियरली का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो जो किडनीज हैं वो थोड़ा सा नीचे बॉडी कैविटी में थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए लिखा गया लिटिल पुस्टीरियरली ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ही तरफ प्रेजेंट होती है। अब हर एक किडनी जो है, ईच किडनी, वो कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से बनी होती है, जिनको हम लोग यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी नेफ्रॉन्स ही होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रही है, बट यहाँ से जो है डिफरेंस शुरू होना स्टार्ट करते हैं। तो जो दो यूरेटर्स जो हैं इमर्ज करते हैं किडनी से, मेल फ्रॉक की अब हम लोग बात करेंगे। तो जो यूरेटर्स निकले हैं, मैं एक बार आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है इसका यूरेटर है। ये जो दो निकले हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आप लोग देख पा रहे होंगे क्लोइका में जा रहे हैं। क्लोइका के बाद ये आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे जो यूरेटर्स हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? यूरोजिनाइटल डक्ट की तरह। अब ये जो है ओपन होते हैं क्लोइका के अंदर,
और अगर वहीं बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर जो यूरेटर है और जो ओविडक्ट है वो ओपन करता है सेपरेटली, अलग अलग क्लोइका के अंदर अलग अलग ओपन करता है। और जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू रेक्टम, रेक्टम के आगे, वेंट्रल मतलब मैंने आपको बताया था आगे, जो कि ओपन होता है क्लोइका के अंदर। अब जो फ्रॉग है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो कैरी कैसे किया जाता है, ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है इन द किडनी वेयर इट सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, जैसा कि सेम ह्यूमंस के अंदर होता है। तो ह्यूमंस के अंदर तो जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम सबको ही, हमें सब कुछ अलग अलग पढ़ाया जाएगा, सारा एक एक चैप्टर है। तो अभी आपको अगर ये समझ नहीं भी आ रहा तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुतों को नहीं समझ आता है। तो जो सिस्टम है अब हम लोग इसका देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम कैसा है इसके अंदर। तो जो सिस्टम है इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है फ्रॉग के अंदर। अब ये जो इंक्लूड करता है, क्या क्या करता है, न्यूरल सिस्टम को इंक्लूड करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड, सेम एज ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर भी जो है आपके न्यूरल सिस्टम देखने को मिलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलते हैं। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है बहुत सारे ऑर्गेन का बॉडी के अंदर, वो कैसे अचीव किया जाता है, वो अचीव किया जाता है हॉर्मोन्स के थ्रू। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू किया जा रहा है, हॉर्मोन्स के थ्रू किया जा रहा है। अब ये जो सिक्रीट कौन करता है इसको, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। अब कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो है पिट्यूटरी, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थायमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रेनल एंड गोनेट्स। तो यही सेम जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यही के सेम के सेम हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है CNS और PNS के अंदर। CNS के भी, PNS के जो है फर्दर पार्ट्स किए जाते हैं, तो उसके अंदर आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी अगर हम लोग फर्दर पार्ट्स कर दे तो आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो CNS है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 10 फ्रॉग के अंदर जो है 10 पेयर में, 10 पेयर यानी 20 नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। अब जो ब्रेन है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, और उस बोनी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग ब्रेन बॉक्स, और कह सकते हैं आप लोग क्रेनियम। अब जो ब्रेन है वो डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर और हाइंड ब्रेन के अंदर। हमारा भी ब्रेन इसी तरीके से डिवाइडेड है। अब जो फोर ब्रेन है उसके अंदर क्या क्या होता है, फोर ब्रेन इंक्लूड ऑल फैक्ट्री लोब्स, यानी ऑल फैक्ट्री लोब्स यानी जो उसकी नोज की लोब्स हैं, जो कि वो सेंस कर पाए जिससे कि किसी चीज़ की खुशबू को, पेयर्ड सेलिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड अनपेयर्ड डाइसेफेलोन। अब इनके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको इस पर भी ध्यान नहीं देना है। अब जो इसका मिड ब्रेन होता है वो कैरेक्टराइज्ड होता है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, यानी यहाँ पे देखने वाली जो लोब्स हैं, कुछ भी फ्रॉग ने देखा तो उसको कैसे वो रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है यहाँ पर। अब जो इसका हाइंड ब्रेन है उसके अंदर सेरिब्रम होता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा है। अब जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा है वो पास आउट करता है, पासिस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच इज इंक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। अब जो फ्रॉग है वो, उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि हो गया टच का, जिसको कि हम लोग सेंसरी पैपिले कहते हैं, टेस्ट का, जिसको कि हम लोग टेस्ट बड कहते हैं, स्मेल का, जिसको कि हम लोग नेजल एपिथेलियम कहते हैं, विजन का, जिसको कि हम लोग आइज कहते हैं, एंड हियरिंग का, जिसको हम लोग टिम्फेनम कहते हैं। आउट ऑफ दीज आइज जो होती हैं, आइज और इंटरनल ईयर्स जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, और बाकी सब तो इसके सेलुलर एग्रीगेशन हैं, यानी सेल को जोड़ जोड़ के बने हुए हैं। आइज जो होती है फ्रॉग के अंदर वो पेयर में प्रेजेंट होती है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, शेप स्फेरिकल होता है, जो कि सिचुएटेड होता है ऑर्बिट ऑफ स्कल, यानी स्कल के अंदर छेदे होती हैं उसके अंदर जो है वो इसकी आइज जो होती है प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर होता है। अब ये जो होती है सिंपल आइज होती है, किसी भी तरीके की कंपाउंड आई नहीं होती है, यानी इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है इनके अंदर वो एब्सेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। फ्रॉग्स के पास केवल टिम्पैनम होता है, जो कि केवल, जिसको कि हम लोग बाहर से नहीं देख सकते। अब जो ईयर है वो एक सेंस ऑर्गेन की तरह हेल्प करता है हियरिंग के अंदर एज वेल एज इक्विलिब्रियम के अंदर भी। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये किस किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है। फ्रॉग के पास जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेम है हमारे तरह, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बस पढ़ा दूँ आपको, खुद जाकर भी पढ़ना पड़ेगा। विच आर फाउंड इन एडहेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनीज। अब जो दो फोल्ड होती है पेरिटोनियम की, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिजोरियम, वासा डिफरेंशिया जो होती है 10 to 12 नंबर में होती है, जो कि अराइज करती है टेस्टिस से, जो कि एंटर कर जाती है किडनी में ऑन देयर साइड एंड इन टू द बिडर्स कैनाल। अब ये बिडर्स कैनाल इंपॉर्टेंट है। अब जो फाइनली जो है ये कम्युनिकेट्स करती है यूरोजेनाइटल डक्ट से, जो कि कम्स आउट करती है किडनी के बाहर, फिर वो क्लोइका में ओपन होती है, और क्लोइका जो है एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि यूज़ किया जाता है फीकल मैटर को बाहर फेंकने के लिए, यूरिन को, स्पर्म्स को, और एक्सटीरियरली। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो इंक्लूड करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज जो है सिचुएटेड होती है किडनीज के पास ही। अब इनका जो है कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी का, बट अगर मेल में देखें तो उनका जो है कनेक्शन होता है फ्रॉम द ओवरीज इनटू द क्लोइका सेपरेटली। अब जो एक मेच्योर फीमेल होती है उसके पास 2500 से लेके
वो 3000 तक ओवा एक बार में रिलीज कर सकती है। अब जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो टेक प्लेस कहाँ पे करता है, वाटर के अंदर करता है। डेवलपमेंट जो होता है वो लार्वल स्टेज इंक्लूड करता है, टैडपोल जिसे कहते हैं, टैडपोल आपने देखा भी होगा, आप तो किसी ने देखा नहीं होगा, टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस और फिर एडल्ट के अंदर फॉर्म हो जाता है। फ्रॉग जो है वो बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए, बिकॉज ये जो है इंसेक्ट को खा जाते हैं, और फ्रॉग जो है इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना के रखते हैं, और इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन है फूड वेब के अंदर, तो छोटी मोटी इंपॉर्टेंस है। इन सम कंट्रीज जो मस्कुलर लेग्स होते हैं फ्रॉग को, वो ह्यूमन के यूज़ भी आते हैं। आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। अब इसकी जो समरी है उसको मैं आपको ख़त्म, आपको खुद करनी है समरी पढ़नी, क्योंकि समरी जो है वो 2 पेज की है, और समरी अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी।